देख रहे हैं डेली स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज की खबर चीन से है। ये खबर क्योंकि हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है और पड़ोसी मुल्क चीन में है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। इन दिनों चाइना में एक वायरस फैल रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये वायरस हालांकि महीने की शुरुआत में इसका केस चीन में सामने आया था। चाइना को उस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त केस को हल्के में लिया गया, इसलिए ये वायरस तेजी से चीन में फैलता गया। और आज इस वायरस से चीन में 56 लोगों की जान जा चुकी है। 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी तक 1975 लोग सर्वलांस पे हैं जिनके अंदर इस वायरस के होने का डर है। आसपास के शहरों में ये फैलता जा रहा है। बीजिंग में बहुत तेजी से इसका प्रकोप फैल रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। असल में ये एक वायरस नहीं है, ये फैमिली ऑफ वायरस है। 7 इन्फेक्शन वायरस होते हैं। ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा इन्फेक्शन या कौन सा वायरस आपको नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी खास बात ये भी है कि ये वायरस इंसान से दूसरे इंसान, एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर सकता है और ये इंसान के अलावा जानवरों से भी इंसान में फैल सकता है। इसको नजरअंदाज लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके लक्षण आम होते हैं। आम नजले बुखार जैसे इसके लक्षण होते हैं, इसलिए लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब लोगों को इसका प्रकोप पता चलता है तो ये इन्फेक्शन उनकी बॉडी में तेजी से फैल जाता है। ये दुनिया का तीसरा खतरनाक वायरस है जिसमें 30-40% लोगों की मौत हो जाती है। हाई मोर्टेलिटी रेट इस वायरस का इसको खतरनाक बनाता है। हालांकि इबोला वायरस में 60-70% लोगों की मौत हो जाती है, वो वायरस भी खतरनाक है, लेकिन इस वक्त जो वायरस चल रहा है वो वायरस अलर्ट है। हिंदुस्तान के लिए भी अलर्ट है क्योंकि चाइना के बिल्कुल करीब है हिंदुस्तान। काफ़ी केसेस इस वायरस के फैल रहे हैं और एक और दुखद बात यह है कि अभी तक चीन ने कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं करी है। हालांकि इसका कोई इलाज अभी नहीं है। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए 5 मुल्क जो है वह कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एक मुल्क सऊदी अरब भी है। हिंदुस्तान में अभी तक कोई इसका केस नहीं है, लेकिन केरला में 200 लोगों को सर्वलांस पे रखा गया है जिनमें लगता है कि कोरोना वायरस पाया जा सकता है। लोगों को एहतियात बरतनी है। ज़्यादातर जो लोग इंटरनेशनल विजिट्स करते हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस है कि वो किसी भी मुल्क में जाएं तो स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, मुल्क से वापस लौट कर आएं उसके बाद भी स्क्रीन टेस्ट कराएं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद। अपना